वह आजकल सावली हो गई है और तो और उसके चेहरे पर कुछ दाने भी आ गए हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं और तो और, जैसे तुम झूठे हो और तो और तुम बेईमान भी हो, तुम धोखेबाज हो और तो और तुम मक्कार भी हो, यह मोबाइल कमजोर है और तो और महंगा भी है, वह अनपढ़ है और तो और वह गंवार भी है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं और तो और। तो आइए देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। वर्ड और तो और के लिए आप कहेंगे व्हाट्स मोर, जैसे यह मोबाइल कमजोर है और तो और यह महंगा भी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस मोबाइल इज वीक एंड व्हाट्स मोर दिस इज टू कॉस्टली, यानी और तो और ये बहुत महंगा भी है। यह कमरा गंदा है और तो और इससे बदबू भी आती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस रूम इज डर्टी एंड व्हाट्स मोर दिस स्मेल्स, यानी यह कमरा गंदा है और तो और इससे बदबू भी आती है। वह अनपढ़ है और तो और वो गंवार भी है। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इलिटरेट एंड व्हाट्स मोर ही इज अ रस्टिक, यानी वो अनपढ़ है और तो और वो गंवार भी है। मैं गरीब हूँ और तो और मैं बदनसीब भी हूँ। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम पुअर एंड व्हाट्स मोर आई एम अनलकी, यानी मैं गरीब हूँ और तो और मैं बदनसीब भी हूँ। आजकल वह मुझसे नाराज है और तो और वह मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज एंग्री विद मी नाउअडेज एंड व्हाट्स मोर सी डजंट रिप्लाई माय मैसेजेस, यानी आजकल वो मुझसे नाराज है और तो और वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती है। आजकल मैं थोड़ा सांवला हो गया हूँ और तो और मेरे चेहरे पर कुछ दाने भी आ गए हैं। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव बिकम अ बिट डार्क नाउअडेज, यानी आजकल मैं थोड़ा सांवला हो गया हूँ। एंड व्हाट्स मोर आई हैव सम पिंपल्स ऑन माय फेस, और तो और मेरे चेहरे पर कुछ दाने भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि व्हाट्स मोर क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।